नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए व्लॉग पे। नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम, राधे कृष्णा। और आज का नहा धो के रेडी, ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुके हैं। और आज का जो टूर है वो है हमारा वृंदावन का। तो वृंदावन में जितने भी टेंपल्स हैं, इस्कॉन मंदिर हुआ, प्रेम मंदिर हुआ, बांके भी हरी का मंदिर, जितने मंदिर है वो सब मंदिर आज ही देखेंगे। और अभी लगभग आप देख लीजिए मेरे पीछे, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और ये टाइमिंग 7:30 है, अभी मौसम सुहावना हो रखा है, तो बारिश भी हो रही है। और कल मथुरा, गोकुल और मथुरा दोनों का ट्रिप हो चुका है। आज है पूरा फुल डे वृंदावन। तो दोस्तों, अभी हम रवाना हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं और बस में बैठ। तो दोस्तों, अभी स्टार्ट हो चुकी है यात्रा और हम जा रहे हैं वृंदावन के लिए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जो आप बिल्कुल मेरे सामने जो आप गेट देख रहे हो, ये वृंदावन का मेन गेट, वो बाहर बिल्कुल गाय देख रहे हो, नया गेट बनाया गया है। तो और पुनः आप सभी का वृंदावन में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम अभी वृंदावन पहुंच चुके हैं। वृंदावन ये देख लीजिए, यहाँ के बस स्टैंड है। और स्पेशली जितने भी बाहर से जो यात्रीगण आते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। और ये हमारे साथ वाले सभी लोग आ रहे हैं। और अब यहाँ से हम बैठेंगे टेम्पो में और फिर जाएंगे। और ये रहे हमारी विपुल भैया, हाय तो कर दो भाई। और ये रहे अंकित जी, वृंदावन की साइड सीन है। राधे राधे महाराज। पहला पॉइंट हमारा कांच का मंदिर, दूसरा पॉइंट हमारा रंगनाथ मंदिर सोने का खंभा, तीसरा मंदिर हमारा निधिवन गार्डन जहाँ भगवान ने रास किया है, चौथा मंदिर हमारा बांके बिहारी, और पांचवा मंदिर है हमारा जमुना जी, जो भगवान का आचमन, जमुना जी का आचमन करना है। अच्छा। और छठवा अनिरुद्र का महाराज का आश्रम गौरी गोपाल। राधे राधे, राधे राधे। तो देख लो गाइस, इस टाइप की हमने यहाँ से बस हमने पार्क कर दी है और इस टाइप की हमने यहाँ से टेम्पो अभी लिए हैं। और इन्हीं टेम्पुओं को लेके हम जाएंगे वृंदावन की साइट सीन करने के लिए, जो ओल्ड वृंदावन है। तो देखो दोस्तों, अभी हमने शेयरिंग टेम्पो यहाँ से कर लिया है और अब हम रवाने हो रहे हैं वृंदावन, पुराने वृंदावन के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये देख लो, अभी हम रवाना हो चुके हैं और हम दोस्तों हमारा सफर शुरुआत हो चुका है। मेयर महेंद्र साहब बैठे हैं, ये देख लीजिए। एक्चुअली जो मेन रास्ता बंद था तो उस वजह से हम जा उधर से गए नहीं, तो हमने बिल्कुल ये जंगल वाला जो रोड है, ये वाला रोड लिया है। वृंदावन घूमने का एक अलग ही आनंद है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अब जा रहे हैं कुंज गलियां देखने के लिए। और दोस्तों, ये है कांच मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी परधाम। आप देख, कांच मंदिर, भी आप पेंटिंग्स हैं जो भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला से रिलेटेड जितनी पेंटिंग है उसमें है। भगवान श्री कृष्ण बाकी बिहारी भी बीच में भी। कांच का मंदिर हमने देख लिया है, अब जाते हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए। बाय बाय। बांके बिहारी जी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, चारों ओर रहने के लिए जगह नहीं है। ये देख लो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है चारों ओर, क्या करें, दर्शन तो हो गए भगवान के। और इधर से देख लीजिए आप, बांके बिहारी लाल की जय। तो गाइस, अभी मंदिर देख के आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अगले रंगनाथ जी के मंदिर में। सभी लोग मंदिर में दर्शन हो गए थे और बस थोड़े बंदरों का डर लग रहा है, आगे पीछे देख रहा हूँ कि पता नहीं कब हाथ में से लपक के ले जाए, पता भी नहीं चलेगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रंगनाथ जी के मंदिर। और ये देख लो, अभी हम पहुँच चुके हैं रंगनाथ जी के मंदिर में और बिल्कुल सोने खंभे जिसमें लगे हैं। और बिल्कुल आप पीछे देख रहे हो, ये गोपुरम बिल्कुल दक्षिण भारतीय स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। बोलो, देख लो, बहुत ही अद्भुत मंदिर है। चारों ओर आप बाहर कुंड भी बना हुआ है, कुंड के जस्ट आप ये बड़ा वाला हॉल है।
और ये इधर से इस साइड से, और ये है यहाँ का मेन गेट। अभी हम जाएंगे अंदर की तरफ, ये देख लीजिए, ये दूसरा वाला गोपुरम है यहाँ पे, और आप ये देख लीजिए बिल्कुल रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर है बिल्कुल, जिस टाइप के मंदिर हम दक्षिण भारत में देखते हैं उसी टाइम के। ये देख लीजिए, ये सोने का खंभा, सबसे पुराने मंदिरों में से एक है भगवान रंगनाथ जी का मंदिर, विष्णु का भगवान का मंदिर है ये। और जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप पूरे पिल्लर जितने भी आप देख रहे हो, वृंदावन के जो सबसे पुराने मंदिर है उनमें से एक मंदिर है ये। देख लीजिए आप लकड़ी की सीढ़ी, बिल्कुल टायर लगे हुए हैं, और बिल्कुल देख लीजिए आप ये इस टाइप के, जो अपन को बहुत ही कम ऐसी जो सीढ़ी है वो अपन को देखने को मिलती है। ये जो मेन गेट है इसे वैकुंठ द्वार बोलते हैं, और ये देख लो सिर्फ साल में एक बार खुलता है, और जो नेक्स्ट जो तारीख है वो 2 जनवरी 2023 को है, और मॉर्निंग में इसे खुलेगा। ये बिल्कुल साउथ जो द्रविड़ियन स्टाइल का टेम्पल है वो वही मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है। तो आप देख, जोर बोलो जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, रंगनाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों अभी हमने रंगनाथ जी का मंदिर देख लिया, और अब हम जा रहे हैं गोपेश्वर महादेव, दूसरा मंदिर है वहाँ पे। जय श्री राधे। दोस्तों मैं हूँ अभी गोपेश्वर महादेव मंदिर में, और पीछे शिवलिंग है, मैंने अभी यहाँ जल भी चढ़ाया और पूजा भी किया, फूल लेके आया था, फूल मेरे हाथ में है नहीं अभी। गोपेश्वर हर हर महादेव, जय श्री राधे। वो देख लो बिल्कुल जो आपको सामने मेन गेट दिख रहा है वो निधि वन, बहुत ही ज़्यादा भीड़ आज सैटरडे इसकी वजह से, और इस साइड भी आप देख लीजिए। तो अभी हम आ चुके हैं निधि वन में, ये देख लो इसका मेन गेट अंदर जाने के लिए, और आप बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पे, और सब लोग हम यहाँ खड़े हैं। ये अभी हम जाएंगे निधि वन के अंदर। दोस्तों देख लो अभी हम आ चुके हैं निधि वन में। स्थान का नाम है निधिवन धाम। क्या नाम है? निधिवन धाम। रात्रि के 12 बजे राधा और कृष्ण आज भी यहाँ राज करने आते हैं। देखो 16,000 तो निधिवन जाम भगवान श्री कृष्ण राज गोपी बनी है, 6 महीने का दिन बात करिए, और एक बार मेरे कहने से नहीं वृंदावन में जोर से हंसी है, जोर से वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप देख रहे हो ये निधि वन, और ये जितने भी ये जाली लगा रखी है, क्यों बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, फ़ोन ले जाते हैं, चश्मा ले जाते हैं, जो उनके हाथ आए वो सब कुछ लेके चले जाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने ये लगाया। और ये बिल्कुल हरिदास जी मंदिर। तो अभी हमें निधि वन में, दोस्तों अभी हमने निधिवन देख लिया, और अब हम जा रहे हैं यमुना जी, काफी लेट हो गए थे, और देख लो सभी लोग पीछे बैठे हैं, जय श्री राधे, जय श्री राधे, बोलो बांके बिहारी कृष्ण मुरारी भगवान की। देखो कैसे सफर कर रहे हैं, आप देख लो महेंद्र बना, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे, सभी लोग यमुना जी के तट पे आ चुके हैं। ये देख लो मेरे पीछे यमुना जी है बिल्कुल, और अब हम पहुंचे हैं यमुना जी। यमुना जी देख लिए, दर्शन कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं बस के लिए। तो दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक अभी हमने जो साइट सीन की थी वो थी ओल्ड वृंदावन की, और यहाँ पे जितने टेम्पल वो 12 बजे बाद बंद हो जाते हैं, 4 बजे वापस खुलता है। तो अब 4 बजे हम जाएंगे जो नया वृंदावन है उसमें। दोस्तों भी वृंदावन का टूर हमने जो ऑटो में किया वो इन भैया के साथ में किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे, हाथ जोड़ के, राधे रहो, राधे राधे, हाथ जोड़ के ऊपर, राधे राधे। तो दोस्तों ये देख लो अभी हम लगभग 2:15 बज चुके हैं, और
अब हम खाना खाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये बस जितनी भी आप देख रहे हो ये सभी बसें यहाँ पार्किंग में खड़ी हुई हैं। और ये रही हमारी बस, ये हमारे साथ में है हमारी सेवा में, और ये सेक रहा देखो बंदा रोटियाँ, ये पूरी भट्टी है साथ में, और ये हमारे मेन मिस्त्री जो बहुत ही अच्छा खाना, शानदार लाजवाब खाना बनाते हैं। और ये देख ले अभी रोटियाँ बेल रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने कल रात को दाल बाटी बहुत अच्छी बनाई थी। और ये भाई साहब हैं, तो ये आप भी है ना इनके लोहे वोहे बना रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और देख लीजिए पुल। और ये रहा बीजू, ये आदमी वन मैन इन आर्मी, ये ड्राइवर भी है, बहुत अच्छा ड्राइविंग करता है, और देखो सबकी है ना सेवा भी कर रहा है। तो ये आज घूमने नहीं गया था, ये आज घूमने नहीं गया था, ये आज यहीं पे था, इसने सबके लिए रोटी टूट नहीं है। देख लो राधे 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 बना ली, राधे 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 राधे, ये देख लो भैया। और अब दिक्कत, और ये देख लो भैया हैं छाछ वाले, राम राम भैया, राधे 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 राधे, छाछ वाले भैया अंकल, राधे राधे। और ये अभी छाछ पिलाई हमने, आप ही छाछ पी ला,